बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज पांचवां और आखिरी दिन है, लेकिन उनके बयानों को लेकर जबरदस्त सियासत है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र वाला अपना बयान दिया तो सियासत तेज हो गई। लेकिन बाबा के भक्तों को इस सियासत की कतई परवाह नहीं है, उन्हें भक्ति से मतलब है, वो तो बस एक झलक पाना चाहते हैं, अपनी पर्ची लगवाना चाहते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं उस जगह पर जहां बाबा का आज कार्यक्रम होना है, यानी उस पंडाल में। आदित्य वैभव, आप क्या देख रहे हैं, वहां पर भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, जहां तक बात की जाए पंडाल की, तो तरेत पाली का पंडाल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, और यहाँ पर खचा खच श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि श्रद्धालु अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं और पंक्तिबद्ध होकर बैठे हैं। हालांकि अभी से ही, अभी करीब 10:30 भी नहीं बज रहे हैं सुबह के, और अभी से ही श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ लगी है। और पंडाल के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, जहां श्रद्धालु चाहे नर हो या मादा या बच्चे हो या जवान, यहां सब तरह के लोग, सब तरह के श्रद्धालु एक लाइन से कतार में बैठकर बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज यहां आखिरी दिन है हनुमंत कथा का, और इसके बाद यहां की सभा विसर्जित हो जाएगी। तो यहां कुछ लोग तो ऐसे हैं श्रद्धालु जो पटना से हैं, किसी दूसरे इलाके से यहां तक पहुंचे हैं और डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटना के बाहर के हैं, और वो उन लोगों ने यहीं आकर अपना डेरा जमा लिया हुआ है इधर ही पंडालों में, और यहीं ये लोग लंगर में भोजन भी किया करते हैं। तो आपको बताते चले कि जब ये आज आखिरी दिन हनुमंत कथा का खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी भीड़ है जो वो विसर्जित होगी। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि किस तरह शांति से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बैठी है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार कर रही है। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें देश के संविधान का आईना दिखाया है। हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। सर, अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है, कोई कर सकता है? सब बिहार से करने की कोशिश कर रहे हैं। करण हुआ है, बताइए साहब, आप लोग राम मैं बोल रहे हैं कि राम मैं तो राम मैं नहीं है अभी, क्या सर राम मैं कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं राम मैं कर देंगे बिहार से शुरू करो। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है?